हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया, कोई आदमी ना मिला। वो जिसने मुझसे घर पे आके वोट मांगा था वजीर बन गया, तो फिर मुझे कभी ना मिला। मेरे महबूब, मेरे सनम, आ रही है गैस और बिजली कम, इतने बड़े बड़े स्कैंडल कैसे कर लेते हैं हैंडल। अरे बंद करो ये अकरबा परवरी, अब तशरीफ ला रहे हैं चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? नहीं, मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ जी, बिल्कुल। आज मैं आ रहा था रेडी होकर। अच्छा, रास्ते में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके कट्स संतोष कुमार साहब से मिलते हैं। अल्लाह हुक्कर, इनको अकल नहीं है बिल्कुल ही। बेशक, मैंने इसे बोला, मैंने कहा ठाकुर साहब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ, उसे क्या दूं? आगे से कहते वो कैसी है, मैंने कहा सफेद रंग, लंबे बाल, हिरनी जैसी चाल। तो उन्होंने कहते मेरा नंबर उसे दे दो। आज मान चले किसी वकील के असिस्टेंट लग रहे हैं। वकील ही लग रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड ना वासे भाई प्राडो दे जा रहे ने। आज नहीं। तो उन्होंने कह रहे ने आसिया मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो कहती वासे बताओ क्या बात। क्या? मैं ना पहले भी शादी शुदा हूँ, तो कुड़ी की उफ मैं तो समझी प्राडो तुम्हारी नहीं है। अपने आज के मेहमानों को, हमारे पहले मेहमान जो हैं वो हैं पॉलिटिशियन, और ताल्लुक है उनका एक ऐसी पार्टी से जिनके लिए कभी बाहर होती थी पाकिस्तान में, पंजाब में, और अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा उनसे ही जानेंगे। आप सब की तालियों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मेंबर हैं जनाब सरदार वकास हसन मोकल। दूसरी मेहमान एक लंबा अरसा गुजार चुकी हुई है एंटरटेनमेंट की फील्ड के अंदर, स्टार्ट एक्टिंग से किया, फिर वो चली गई मॉडलिंग की तरफ, मॉडलिंग में बहुत नाम कमाया, सुपर मॉडल बन गई, और फिर वहां से उन्होंने रिटर्न किया एक्टिंग की तरफ और एक्टिंग के अंदर बहुत काम किया। आप सबकी तालियों में मोहतरमा नताशा हुसैन। शेर में लाया हूँ महकमा मौसमियात का। अच्छा, अर्ज किया है कि कलियां चटक रही हैं, बादल से छा गए हैं। कलियां चटक गई हैं, बादल से छा गए हैं, रिम जिम बरस रही है, बच्चे नहा गए हैं, घर में जो पका था सारा ही खा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में नताशा जी और वकास भाई आ गए मेरा शेर तो आपको पता है आज विकास भाई के लिए है। अच्छा, अदबी शेर है। अल्लाह, कि मेरे सामने जो चीज पड़ी थी वो मैंने चखी है। मेरे सामने जो चीज पड़ी थी, जो चीज पड़ी थी वो मैंने चखी है। आप काफ लीग के होकर नून लीग वाली कटिंग क्यों रखी है? यार। इसका जवाब आप खुद ही दीजिए। मैं लाजवाब हो गया हूँ जी। लेकिन तुसी ये सिर लेके लाहौर नहीं फिरना, खानवी वाले ने खाली जगह समझ के पुल बना देना जी। यार सर मेरा हल्का लाहौर तो बाहर है, ऐसा बच जाएगा तो किसे हल्के से जाके भी अंडरपास बना देना। चलो जी, 100 बिस्मिल्लाह आन तो सही। अच्छा, क्यों आपके इलाके में नहीं आते? मेरे ख्याल में जी चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनको तो सारे पंजाब में आना चाहिए। काश मुस्लिम लीग तक तो जब आप पहुंच ही गए थे तो आप नून के ऊपर क्यों नहीं आए, काफ पे क्यों अड़ गए? ये मेरा पहला इलेक्शन था, इससे पहले मेरे वाले साहब सरदार हसन अख्तर मोकल कंसेक्यूटिवली 6 दफा मुसलसल एमपी रहे, तो उनकी वफात के बाद फिर जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की मिसाल को जिंदा रखते हुए मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई। तो उस वक्त जी पॉलिटिकली इस तरह का सिनारियो था कि मेरे लिए काफ, क्योंकि उन्होंने जी उस वक्त काफ में ही थे, तो मेरे लिए वो ज्यादा आई गेस फीजिबल था कि मैं काफ लीग से इलेक्शन। नहीं, मगर बहुत से अब तो काफ लीग वाले बहुत से माशाल्लाह हर तरफ बांटे हैं उन्होंने, वो आपने क्यों नहीं कोई बीच में, आप भी नून लीग की तरफ आते? सर मैं यकीन रखता हूँ जी लॉयल्टी कोई चीज है। ताशा, कैसी आपको लगी इनकी बात कि लॉयल्टी के पीछे ऑपोजिशन में बैठ गए, इन्होंने नहीं एक मौका
ग्रैब किया जो कि बड़ा सब लोग कर लेते हैं यहाँ पे. आई थिंक ये मुझे इनकी वकास की बात बहुत अच्छी लगी. लॉयल्टी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको लॉयल्टी दिखानी चाहिए, और अगर सारी लॉयल्टी दिखाएं तो पता नहीं हम तो कहीं से कहीं भी पहुंच जाएं. तो ये बताएं, क्या ये लॉयल्टी ही थी कि आपने जो एक्टिंग से स्टार्ट किया था वो आपको वापस ले आया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप मॉडलिंग के अंदर इतना नाम कमा चुकी हुई थी? जी, मैं लॉयल्टी, देखें मुझे अपनी इंडस्ट्री से बहुत शिद्दत से मोहब्बत है. मैं अभी भी फैशन इंडस्ट्री में आई एम अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट. साथ में कॉर्पोरेट भी काम करती हूँ. एक्टिंग तो मैंने शुरू में छोड़ी बिकॉज माई गर्ल्स वर ग्रोइंग अप, दे नीडेड माई टाइम. तो मैंने बस चार पांच प्लेस किए, उसके बाद मैं टाइम नहीं दे सकी प्लेस को. लेकिन अब जब मैं देखती हूँ कि आप जैसे लोग माशाल्लाह से इतना अच्छा काम करें, तो एक्टिंग मुझे नहीं छोड़नी चाहिए. बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि आपने अपने करियर का आगाज नुमान एजाज के साथ किया था. बिल्कुल जी, हमारा पहला प्ले इकट्ठा था. नुमान एजाज और इनका पहला प्ले इकट्ठे था? बिल्कुल इकट्ठे था. और उम्र 83 साल बन दी. ये नुमान साहब को उनके मुंह पे कहना तुम जरा. नहीं नुमान भाई तुम तो कह लांगे, लेकिन इन्हें उम्र का पता लगा. तो ये कहीं थक नहीं जाती इतने सालों बाद जाके? तो इंसान कहता है कि बस होगी यार, अब मैं दिल खोल के खाना चाहती हूँ, अब मैं जो मर्जी दिल चाहे पहनना चाहती हूँ. वैसे देखिए पता है क्या, जब आपको किसी चीज से, जैसे मैंने कहा कि कितना लगाव होता है और आप यू बीन अ पार्ट ऑफ इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो फिर आपकी जो एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और अपने आप को आपने फिट भी रखना होता है और अप टू द मार्क भी रखना होता है, आई थिंक वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है बिकॉज उससे आप जीना नहीं छोड़ते. जो लोग बहुत खाना शुरू कर देते हैं और गिव अप कर देते हैं, जो आम जैसे मुझे कोई तस्वीर लेते हुए कहता है कि आप इतनी अभी तक फिट कैसे हैं, तो हमारा तो शादी हुई, बच्चा हुआ और ये देखें हमारा क्या हशर हो गया. तो ये बड़ी एक नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ. आप अपने आप को फिट रखें, अपने अप टू द मार्क रखें, तो कोई आपके साथ पंगा नहीं ले सकता. सरदार साहब, आप एग्री करते हैं इस थ्योरी से कि इन्होंने तो खवातीन की साइड बताई, मर्दों के अंदर भी क्या ये है कि शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो यू लेट गो ऑफ हिमसेल्फ? आपने कुछ ऐसा किया या यू आर समवन हु गोज़ टू द जिम एंड टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ? पहली बात तो ये जी कि मेरे ख्याल में पहला सबक शादी के बाद ये है कि अपनी बीवी की हर बात पे आमीन कहना चाहिए. आमीन, अच्छा. सी बात. हाँ जी, जेड़ा बंदा अपनी बीवी की हर गल पे आमीन नहीं कहता, सिर उठ जाता जेड़ा फिर. एक हो गया. दूसरा, मेरा अपना जहन इस मतलब ये है कि आपको अगर खुदा ने मुकम्मल आज़ाद दिए हैं और आप एक हेल्दी इंसान हो, तो खुदा की दीवी नेमत को आपको चाहिए कि उसकी कदर करें. आपका वहाँ पे गांव वगैरह भी है, तो काफी एग्रीकल्चर के अंदर भी आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई मशक्कत वगैरह हो जाती है या एफर्ट करते हैं जिम जाने का है? नहीं, वैसे मुर्गा पकाते हैं, मुर्गा कहने दें आंटी जी पिया बाजी आज भैन वकास आ रहा है मेनू टक लो. ऐसा क्या है यार, वो बेचारे इन्हें तो हम कोई मेहमान नहीं बुलाता. क्यों? पर सफेद मुर्गा खा जाते. दो पिज्जे खा के बाद चो कह देंगे साग भी लाया कि मैं भुखा रहना जे. जनाब तुसी उन्हां दी तारीफ करनी करी रखो, मैनू तो नाम दो पिज्जे. बिल्कुल, लेकिन तुसी सानू एमपीए लग ही नहीं रहे, जिस तरह तुसी बैठे लगता हुणे सानू जादू करके बुखाओगे. जादू क्या, एमएससी इकोनॉमिक्स आदमी है यार. अच्छा तो मैट्रिक क्यों नहीं क्लियर किया? मैट्रिक करने के बाद जाते हैं आप एमएससी. अच्छा, मैं मैट्रिक बाद चो. बिल्कुल, जब मैंने एफएससी की थी ना तो मैं तो फेल हो गया, जो मेरे साथ पढ़ता था वो एंकर हो गया. वैसे एंकरिंग तो आप भी करती हैं? जी बिल्कुल. ये कहां से शौक पैदा हुआ आपको? पता नहीं, मतलब मुझे इतना डर लगता था लोगों के सामने आके खुल के बोलने में, और मुझे समझ नहीं आई कि कैसे मुझे एक दिन लगा कि मेरे अंदर है. और आप सोचे मेरे, मैंने जो पहला शो किया था उसमें मैं मॉडलिंग भी कर रही थी, आसिफ जहां हवेली पे था, और बसंत का शो था और फ्रिया अल्ताफ के साथ था, और उनके फीमेल होस्ट का मसला हो गया और उन्होंने कहा कि तुम करोगी. तो मैंने कहा यहाँ तो 16-17 हजार लोग हैं, आसिफ जहां हवेली में अली जफर का गाना है, मॉडलिंग है, और तो मैं तो होस्ट कर ही नहीं सकती, क्या मतलब? तो फिर आपने क्यों किया? तो उसने कहा कि तुम मॉडलिंग भी करोगी, आज तुमने मेरी रिस्पेक्ट रखनी है, यू हैव टू होस्ट द शो. तो यानी कि बाय एक्सीडेंट था पहला? इतना बड़ा एक्सीडेंट था, 16-17 हजार लोगों के सामने ऐसे मुझे
स्टेज पे डाल दिया, मैं मुझे समझ ही नहीं आई। आप तो फिर पॉलिटिकल रैली भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रैली में भी आजकल 16-17 हज़ार तो होते ही नहीं है, क्यों मुकुल साहब? सही है जी, अब तो 4-5 हज़ार काबू करने होते हैं सिर्फ आपने, तो क्या ख्याल है इनको आप देना दावत काफली की? अब तो मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती। अच्छा, वो कर सकती है सब कुछ, तो आप काफली ज्वाइन करवा लें। नहीं सर, ऐसे नहीं, उनको दावत दें। आप देखें वो 16-17 हज़ार की क्या उसे कहते हैं जी अवामी ताकत के साथ ज्वाइन करेंगी, मेरे ख्याल में तो जी अगली एमपी है ये। मगर नेटी मुझे ये बताएं कि कोई है कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हल्की सी भी है? मुझे एक जमाने में इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई बहुत पसंद था। एक जमाने में? अच्छा। तो इसलिए कि देखिए मैं अब बिलीव करती हूँ कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। शहबाज शरीफ साहब की मैं यहाँ तारीफ करूंगी कि हम जिन अंडर पासिस ओवर पासिस पे चलते हैं, मोटर वे पे चलते हैं, जो भी है, उन्होंने पंजाब में तो एटलीस्ट बहुत काम करके दिखाया। यानी कि नून लीग की तरफ है इंक्लिनेशन लग रही, मतलब मैं तारीफ उनकी कर रही हूँ इस वक्त। तो इस वक्त कर रही हैं, इसलिए तो मैं आपसे इस वक्त के मुताबिक पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब तो आपको एक जमाने में पसंद थे। हाँ। रेहम खान से पहले नहीं, मुझे अभी भी इमरान खान से मुझे एक्सपेक्टेशन अभी भी बहुत है, लेकिन आवाम अब चाहती है कि आप कुछ करके दिखाएं ना, मतलब उनको, सिर्फ उनका कहना है कि मुझे मौका देंगे तो मैं करके दिखाऊंगा ना। मौका उनको देना तो चाहिए, जरूर मौका तो देना चाहिए। नून लीग का वोट तरफ जा रहा है तो मौका कैसे मिलेगा? देखिए जहाँ तारीफ बनती है वहाँ मैं तारीफ। अच्छा नहीं, सब छोड़े, आपने बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया कि पसंद आपको इमरान खान है, आपको अच्छा लगता है शहबाज शरीफ साहब के फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस। मुझे बताएं कि अब वोट इलेक्शन आ गया है जी, इस साल आपने डालने हैं, बाय द वे पता है ना सबको, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता चलता जी। तो इस साल अब इलेक्शन आ रहे हैं और वोट डालना होगा, तो किसके चांसेस हैं कि वो नैटी का वोट हासिल कर सकेंगे? इमरान खान। लो फायदा क्यों अंडरपास का? हाँ ना यार। वही लेकिन सितारा और है, मुल्क में जारी ये कैसा शोर है, ना सुलझ पाई ये गुत्थी अब तलक, कौन है हाथों में जिसके डोर है, कुछ तरस खाओ खुदा के वास्ते, मुल्क ये पहले बड़ा कमजोर है। साथ वाले साहब जो है वो एमपी है, दिस गाय सिटिंग एमपी है। एक बार फिर पता कर लो। और यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है सुहेल शहजाद ने, जो कि एक बड़े जबरदस्त सिंगर है। सुहेल क्या हालचाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुहेल सिंह का शौक कहाँ से हुआ है? मैंने जब अपने आप को समझना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि मैं एक सिंगर, मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। ऐसे ही बस दोस्तों में बैठना और उन्हें सुनाना, तो उनकी तरफ से मुस्तकिल किस्म की अप्रिसिएशन जब मिलती रही तो मेरे अंदर का जो गुलूकार था वो उससे भी हौसला मिलता रहा। और जहाँ से मेरा ताल्लुक है अटक के एक तहसील जंड से, वहाँ पे कोई ऐसी एनवायरनमेंट भी नहीं थी कि मुझे कोई सपोर्ट मिलती, और मैं एक अपना जॉनरा रजिस्टर करवाना चाहता था, अपना म्यूजिक लाना चाहता था। वो जॉनरा क्या है? मिस्टिक सूफी। हाँ जी, तो फिर उसके लिए काफी सारा फाइनेंस चाहिए था मुझे, तो मेरा यही था कि मैं एज सून एज कोई अच्छी जॉब मिले तो फाइनेंस बना के फिर मैं बाहर चला गया, गल्फ में गया, मैं वहाँ पे काम किया 10-11 साल। अच्छा, फिर देखा कि हाँ अब है फाइनेंस, फिर मैंने 2009 से शुरू किया प्रॉपर रिकॉर्डिंग, और फिर 12 में मैं आके यहाँ पे प्रोडक्शन की, मैंने वीडियो प्रोडक्शन, और अब तक 5-6 ट्रैक्स मैंने लॉन्च किए हैं और लोगों ने बड़ा पसंद किया, और मुझे ये लगता है कि शायद मेरी तख्लीक ही इसलिए हुई है कि मैं गाऊंगा और लोगों को सुनाऊं। तो आपको भी है कोई सिंगिंग वगैरह का शौक? इतना टाइम ऑनेस्टली नहीं मिलता। नहीं मिलता, क्यों सर? अनवाइंड करने के लिए क्या करते हैं आप, मुझे बताएं। मजाक रात, आपके सामने मायरा खान आगे खड़ी हो जाए तो आप पहचान जाएंगे या नहीं? ऑब्वियसली ऐना की असली लवाई। मगर नहीं, मायरा खान का कैसे पता है आपको? ड्रामास। अच्छा, कौन सा ड्रामा? हम सफर। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हम सफर आपने कहाँ छुप के देखा, मुझे बताएं, तो आप तो देखते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं जी, ये पहले भी यही बात हो रही थी शो के स्टार्ट होने से पहले कि हमारे ड्रामास, पाकिस्तानी ड्रामास एक्चुअली इतना ज्यादा प्रोग्रेस करके बेहतर हो गए हैं
کہ مجھے یاد ہے بڑے ہوتے وقت ڈرامہ تھا تنہائیاں, یعنی کہ تنہائیاں مطلب کہ مرینا خان اس میں تھی, آپ کو یاد ہوگا, مطلب مرینا خان کے بعد آپ نے آ کے ماہرہ خان میں بریک ماری ہے. اصل میں ہمارے اوور آل انٹرٹینمنٹ جو ہے, پارٹی جوائن کرتے ہوئے عمران خان کو آپ نے کیوں نہیں لفٹ کرائی؟ وہ ان سے پوچھ رہے, میرے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا تعلق ہے مرینا خان, ماہرہ خان اور اب عمران خان کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اچھا, یعنی کہ آپ کو پروگرام ہے, یعنی کہ تین چار مہینے بعد کو سرپرائز دے سکتے ہیں؟ آنیسٹلی ابھی جی سرپرائز کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے پولیٹیشنز کیا سرپرائز دیتے ہیں. تو یہ سب کیا نون لیگ جوائن کر لیں کیا ہوگا؟ نہیں, یہ سرپرائز نہیں ہوئے گا. تو پھر کیا سرپرائز؟ چودھری صاحب کو نون لیگ جوائن کر لیں, یہ سرپرائز ہو سکتا ہے. یعنی کہ نون لیگ جو ہے وہ کاف لیگ کے نظام ہو جائے. سر پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ بھی اگری کریں. آپ ویٹ کس چیز کا کر رہے ہیں مجھے بتائیں, کہ آپ لائک ہو سکتا ہے کہ کہیں پی ٹی آئی کا کوئی موڈ شوٹ ہے؟ جنگ کی عادت ہے اور خان صاحب تو جنگسٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں. جنگسٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں, پر میں آپ کو بتاؤں جی, جو یہ بھی بات کرنی تھی اسے میں اگری کرتا ہوں. بے شک شہباز شریف صاحب ہوں, عمران خان ہوں, چودھری شجاعت صاحب ہوں, وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کریں. اور اس پوائنٹ آف ویو سے جی, میں بالکل اپنی لائلٹی, اپنی ہمت, اپنی طاقت, اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں تاکہ اس ملک کی بہتری ہو. لیکن کس کو؟ انہوں نے تو لگتا ہے کہ نتاشا ٹھیک گل کر رہے ہیں. نتاشا کی پارٹی نہیں, جناب ہی گلا ٹھیک کر دیں, دو پیٹ سے گلی گل گلے تو ویسے ٹھیک کر دیں. صحیح تسی کاف لیگ جی یار, انہاں دا سائیکل پنچر انہاں گلاں تو تے ہویا. سائیکل پنچر لگ سکتا ہے پر شیر دی لت لگی تے لبڑی نہیں جی. واہ جی واہ. You know what happened with me? What happened? The begging is becoming very difficult. Begging is becoming difficult? Why? Yes, very difficult. What? I can't deal with this anymore. I have got a life. Could you please give me the opinion? What happened? Main mangna chhadna chahna. کیا ہوا؟ اگے گرمیاں آ رہی نے, وہ بزنس ہوں ہی نہیں, وہ گڈیاں دے وچ ایئر کنڈیشن لگے ہوں نے, جنا مرضی ونڈو نوک کرو تھلے کردے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ موبائل سنیچر ہے گا. سو ویری ڈیفیکلٹ جاب. میں تسی کدھر ماڈل لوا دیو؟ ماڈل لوا دیو. ماڈلنگ کرنے والے آج کل بڑے پیسے چھاپ رہے ہیں. پھر تو تم بالکل صحیح ٹائم پہ, ہماری مہمان بھی ماڈل ہیں. ہائی جوائن سویٹی. میں نے کتنی بار کہا کہ آخری لفظ جو تم یوز کرتے ہو نہ کیا کرو. آئی ایم سوری, میں جذبات دی روچ بہ گیا. ایک بار پھر پتا کر لو. تہاڈا نام ہے کدھر سنیا ہوا ہے؟ تے تے بڑے گڈ مین ہے گنے. او یس, آئی نو نتاشا نیتی. یس, بگ نیم. تہاڈا بڑا نام ہے گا. تے اللہ نے اتنا نام دتا, اللہ نے حکومت بھی تہانوں خبریں دینی ہے کہ نہیں؟ میں تانوں ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. آفٹر لانگ ٹائم میں سوچتا سا کہ تسی کدھر ملو تے میں تانوں گانا سناواں. چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے, جال میرے دل کا تمام لکھ دے. جس دن سے چاول جیا بے قرار ہے, تنننو تنننو ترررررم پم. جس دن سے سانور کا جیا بے قرار ہے, اکھیوں میں پیلی پیلی کجلے کی دار ہے, کجلے کی دار ہے. جان میرے تم کو تمام لکھ دے, جتھی ذرا سیاں جی کے کچھ بھی نہیں ہویا. دینا او یو سی, دیکھیں دل کھول کے دے رہی ہوں. ہاں اگلی حکومت تو آدھی ہے, ماڈل ہے, آتے جوائن کر لیں گے نا. کوئی جدی حکومت ہوگی انہیں جوائن کر لیں گے. تم نے ان سے ماڈلنگ ٹپس لینے تھے, ان سے پیسے لینے تھے. او یس, میں نے پیسے نہیں چاہیے دے, میں نے دے دیا اب آپ ان سے میں رکھ لوں گا. لیکن کوئی ایسی ٹپس دیو کہ میری لائف سیو ہو جائے. کوئی ماڈلنگ ٹپس آپ دینا چاہیں؟ ہاں باجی, تو آڈا پتا کی ہے؟ کیوں, تمہیں ایڈریس بھی چاہیے؟ نہیں, میں اتھے جا کے تے باجی اور کو ٹپس لے لوں گا نا. باجی اور کو ٹپس سے تم نے پیسے لے لیے, اب چھوڑو تم نے موقع. نہیں, میں پیسے تو واپس کر دیاں گا خرچ کر.
ਮਜ਼ਾਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੇ ਕੋਈ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ Welcome back to مذاق رات. آج کل تو بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے یار یہ پولیٹیکل گانے گانے کا سنگرز بڑے پیش پیش ہو کے گانا گاتے ہیں تو آپ کا کوئی دل ول نہیں چاہتا نہیں کبھی نہیں چاہا میرا کیوں وہ آندا نہیں نا ہر سنگر کو پاکستان کے لیے گانا گانا چاہیے جی میں گا رہا ہوں میں انشاءاللہ آج ہی گانا ایک ریلیز ہو رہا ہے آج ہی ریلیز کر دیا آپ نے ہاں جی یہاں پہ تو ریلیز کریں نا پہلے ہمارے لیے بڑے عرصے تو بعد میری بیگم صاحبہ کہندی کہ ناشتہ کر لو میں کہ تسی تے کدی ایڈے پیار نال کے ہی نہیں میں کہندے نے تہاڈا فون وج رہا کیسر سنا اللہ صاحب دا فون سی राणा सनाउल्ला साहब अच्छा मेरे इमीडिएट बॉस ने ना जी जी जाहिर है मैंने कहा ने कम टू यू टू द पंजाब हाउस ओके आई वेंट देयर ओके ये था कि मतलब है आप चले गए पहुंच गया मैं कहना जी बगैर किसी गल तो शुरू हो गए पौना घंटा कंटिन्यू छंद विच मेरी बेइज्जती की थी वाह जी वाह मेरी अखां भी नहीं सन खुलियां अच्छा बस मैं किधर ही धुंधला जावे अंदर है उन्होंने मैं कह सर होया की है मसला की है انہیں کیا بھی تین پتا کہ میرا کام میں مخالف پارٹی تھے بولنا تے آج میں انہوں کوئی بندہ ملیا نہیں میں کہا تیری چوک سی چیک کریے اس گلتے بستی ہوئی میں انہوں کہنے کی حالات لا ان آرڈر دی میں کہا سر دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں کیا بات ہے سڑکوں پر بور پھر رہے ہیں لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں میں انہوں کہنے کتھے میں کہا سر یو اے ای یعنی دبائی میں کہنے ایتھوں دی صورتحال دس میں کہا ایتھوں دی صورتحال تو آڈے تو دیا دا کون جاندا میں کہا سر اصل گال دس سب یہ ڈیتا تکاوڑے کیوں ہو رہے ہو میں کہنے پتر کلر ختم ہو گیا ہیر کلر دس انا پروگرام اچھنا چلانا کم از کم ڈیڑھ پال ہوں دینے روز اوہ ماشاءاللہ یہ کی تو پھڑے جے طریقہ ہے بات کرنے کا میرے مہمان ہے میں نے انہوں کدھرے ویسے ویکھے ہویا کہاں دیکھا ہویا ٹی وی تے کم کر دینے میں نے یاد آگیا نا دیکھو فلم آئی ہے پچھلے دنوں غلط لائن دے چلے گئے فلموں سے کوئی تعلق نہیں ان کا وہی میں کہہ رہے ہیں بھی کوئی شریف آدمی نے شکل تو لگ دے نہیں پونیٹیشن نے کاف لیگ فرام قصور تے ویسے کی کم کر دینے بھئی وہ ایم پی ہیں ہاں نہیں ایم پی تے ہے نہیں کھاندے پیندے کتوں نے تین دن تین راتوں سائیکل چلان دے ہو سائیکل ان کا انتخابی نشان ہے ماشاءاللہ تے بھابی بھی اپنا سیاست اچھنے اچھا نہیں سوری اوہو اوہ تے موترما نتاشا بیگم نے جی بالکل لاؤ میں تے توڑا اینا فین اینا فین بھئی کیٹ واگ دنیا دے بیچے ہر ماڈل نے کی تھی لیکن جو تسی کی تھی جو تسی ٹورے کوئی ٹور نہیں سکدا اوہ اصلا جنہیں جی میں فوٹو ایک لینی میرے ساتھ انہیں لینی نا جن سے لینی ہے آپ نے ان سے پوچھئے اتر تیرے نہ لینڈا کو فائدہ اجازت ہے سر میرے گوڑے پوچھتے پہجے ہاں جی آج حاضر جناب بڑی میرے نہیں فوٹو انہوں نہ لینی مجھے پتا ہے سر یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ فلم میں ہیروین آنا چاہیں گے سوری ویلکم بیک ٹو مذاق رات جی ہنا عجیب و غریب تو سنائیے خبر ہے انڈونیشیا سے جہاں ایک شخص کو جب ٹریفک پولیس نے روکا تو اس کا نام سن کر اس کو فوراً ہی ڈرائیونگ لائسنس میں مل گیا اور پولیس میں برسی بھی کر لیا کیونکہ اس شخص کا نام پولیسی تھا جس کا مطلب انڈونیشیا کی مقامی زبان میں پولیس بنتا ہے بس بھئی اس طرح تے چاچا جنہوں بھی پولیس آلے نے روکے آئے تیرے انہوں جنگل چپے ہی دیتا ہے انہوں کہے تو اڈا نا کی کہنے جی میرا نا لگڑ بگا ہے یہ تو کوئی بات نہیں میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے لائن ہاں جی ہے شیر نے شکل انہوں دی بن مانا سا لی اور ناکے دی پولیس نے ٹیلی فون کی تھا چڑیا کر کہ پہن شیر کتے ہے تے کہنے میں شیر ہاں کہنے شیر تے ستا ہے انہوں نے کہ
जी हमारा एक सेगमेंट है 2020 का सर, जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों से और मैं आपको सात ऑप्शंस दूंगा जिनमें से एक को आपको अपना जवाब बनाना है. यू हैव टू गिव एन आंसर. अगर आप कोई ऐसे पॉइंट पे हो कि आप कहें कि हम ये जवाब नहीं देना चाहते तो आप एज एन ऑल्टरनेट हमारा जनरल नॉलेज का सवाल पिक कर सकते हैं, ये याद रखिएगा. तो पहले किससे आगाज करें आप बताइए. देखें जी लेडीज फर्स्ट हो गया. तो नताशा बीबी ये बताइए आपके ख्याल में इनमें से कौन बहुत अच्छा है, कौन अच्छा है और किसके बारे में बस एवं गल्ला बनिया ने. तो जो डिजाइनर्स आपके पास हैं वो है HSY, नोमी अंसारी और सना सफीनास. तो इनमें से कौन बहुत अच्छा है पहले ये बताएं. सना सफीनास. इनमें से कौन अच्छा है? HSY. और किसके बारे में बस एवं गल्ला बनिया ने. माफ कर देना, नोमी अंसारी. नोमी अंसारी साहब आपको सिलेक्ट किए इन्होंने कि बस एवं गल्ला बनिया ने. ये बताइए मैडम कि एक लिफ्ट बंद हो गई है और लिफ्ट से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको सेल्फी लेनी पड़ेगी. आप वो सेल्फी इनमें से किसके साथ लेना चाहेंगी? द ऑप्शंस दैट यू हैव आर वकार जका, ताहिर लोधी एंड ताहिर शाह. ताहिर शाह. कोई खास वजह? एक बंदे ने ना एंजल ने ना एंजल उसके साथ लेना चाहती है. ठीक है ये बताइए मैडम, ये तो आपने सेल्फी ली थी, अब ये बताइए कि आपने इन खवातीन के साथ सेल्फीज ले ली हुई है मगर एक कोई है जिसके साथ ली हुई सेल्फी में से आप उन्हीं को क्रॉप कर देंगी तो वो किसके साथ होगा? ऑप्शंस आपके पास हैं उर्वा हुसैन, माहिरा खान और नीलम मुनीर. नीलम मुनीर. क्यों? नीलम मुनीर मुझे इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे उर्वा और माहिरा पसंद है. तो मैं तो गुड इनफ. ये बताइए मैडम, जहाज में सफर कर रही है, एक लंबी फ्लाइट है एंड यू हैड बुक्ड टू सीट्स और आप देखती है कि जहाज फुल हो गया लेकिन कुछ मुसाफिर अभी भी खड़े हैं कि अगर आप चांस दें तो वो भी आपके साथ वाली सीट बैठ के चले जाएंगे. तो इनमें से किसको आप अपना हमसफर बनाना चाहेंगे उन 13-14 घंटे के लिए? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं कायम अली शाह, अली अमीन गंडापुर और शर्जील मेमन. कायम अली शाह को बिठा लो. क्यों? 14 घंटों में 14 सेकंड ही बोलेंगे. मेरा नहीं पता, मैं बुलवा लूंगी उनको. फिल्म देखने जा रही हैं आप जी. दो टिकटें आपने ली हुई थी, एक तो आपकी अपनी है, दूसरी टिकट आप किसी और को लेके जा सकती हैं. तो ये बताइए किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है शेरयार मुनव्वर, मिकाल जुल्फिकार और एहसन खान. उफ, 100% शेरयार मुनव्वर. क्यों? मुझे बहुत पसंद है. ही इज अ वेरी रियल एक्टर एंड ही इज अ फन गाय और ही इज वेरी लाइक बबली, एंटरटेनिंग, वेरी पॉजिटिव एज अ पर्सन. ही इज अ वेरी रियल पर्सन. ही इज अ फन गाय. एक एज अ पर्सन बहुत रियल है वो. yes. और एक बहुत बबली है. चार इन्होंने खसूसियत बताई जिसकी बेसिस पे शेरयार मुनव्वर को इन्होंने चूज किया. तो यानी कि उन बाकी जो दो साहिबान है जो एहसन खान और मिकाल हैं वो ना बबली हैं, ना वो रियल पर्सन है, ना वो गुड लुकिंग है और ना ही वो इतने फन लविंग है. ठीक है तो मैडम तीन गुलाब के फूल हैं आपके पास, ब्लैक व्हाइट एंड रेड. अब आप इनमें से किसको कौन सा गुलाब का फूल देना चाहेंगी? जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं फवाद खान, शान और हुमायूं सईद. तो अच्छा, किसको देंगी आप पहले ये बताइए? व्हाइट रोज. मैं फवाद खान. ब्लैक रोज किसको देंगी? शान को दे दूंगी. और रेड रोज किसको देंगी? जो रेड रोज है वो तो मैं डेफिनेटली हुमायूं को दूंगी. और ब्लैक रोज आपने फिल्म स्टार शान को देना सोचा? बहुत सारी तालियां. ब्लैक कलर एक नायाब भी उन्होंने. जी सरदार साहब अब आपकी बारी आ जाए. आप बिस्मिल्लाह करें. बिस्मिल्लाह करें सर. ये बताइए कि इनमें से कौन आपको सबसे खूबसूरत पॉलिटिशियन लगती हैं? जो ऑप्शन आपके पास हैं वो है शीरी मजारी, फिरदौस आशिकवान. मेरे ख्याल में जी शीरी मजारी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अपने बाल चाल अच्छे डाई करती है. शीरी मजारी साहब आते बालों से अपने बाल बेहद. एक सहरा में फंस गए हैं आप, प्यास के मारे बुरी हालत है आपकी और आप देखते हैं कि कुछ लोग पानी लेकर आए हैं. इनमें से किसके हाथ से आप पानी पी लेंगे? जो ऑप्शन आपके पास हैं दीपिका पादुकोण, कतरीना कैफ और करीना कपूर. आप सजेस्ट कर दें वैसे. नहीं ये नहीं सजेस्ट, आप अपना अपना भाई. मजाक रात आ जाए, डॉक्टर को नहीं आया. जी जी दीपिका. दीपिका के हाथ से पानी पीना चाहेंगे? भाभी आप नोट कर लें. आप एक स्केच आर्टिस्ट हैं. ये बताइए कि इनमें से किसका स्केच बनाना चाहेंगे आप? आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं अल्ताफ हुसैन और सनी लियोन. सीरियसली यार सच सच बताना है. अल्ताफ हुसैन. अरे क्यों है? अच्छा क्यों? सिर्फ क्योंकि आर्टिस्ट की नजर से आप देखें तो उसके अंदर आर्ट है अल्ताफ हुसैन साहब. और वैसे भी कहते हैं ना जी, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर. आप अपना होल्डर चेक कराएं. क्या मतलब? बहुत सारी तालियां वकास साहब के लिए. बहुत सर ये बताइए इनमें से किस सिंगर के साथ एक साल के अंदर अंदर गाना गाना चाहेंगे? किसके साथ दो साल के अंदर अंदर और किसके साथ गाना ना भी गाएं तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आतिफ असलम, अली जफर और फरहान सईद. तो किसके साथ एक साल के अंदर अंदर गाना गाना चाहेंगे? फरहान सईद. किसके साथ दो साल के अंदर अंदर गाना गाना चाहेंगे? आतिफ. आतिफ असलम. और किसके साथ गाना ना भी गाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता? अली जफर. अली जफर के साथ वो गाना ना भी गाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है सर ये बताइए इनमें से किसके साथ फिल्म में हीरोइन आना चाहेंगे? सॉरी
साथ फिल्म में देखना चाहेंगे आप? जो ऑप्शन आपके पास हैं वो है महविश हयात, मायरा खान और आयशा खान। महविश जो पंजाब नहीं आ रही वो अटक कहाँ जाएगी? नहीं मैं शिफ्ट हो गया हूँ लाहौर में। इन सिंगर्स को रेट कीजिए उनकी खूबसूरती के हिसाब से। जो नाम आपके पास हैं वो हैं आयमा बेग, गुल पन्ना और मोमना मुस्तहसन। नंबर वन पे कौन है? गुलपाना आई थिंक। ठीक है, नंबर टू पे आयमा और मोमना पे। मोमना मुस्तहसन आपको तीसरे नंबर पे सबसे हसीन लगती हैं। सर ये बताइए, आसिम अजहर और दानियाल जफर? आसिम अजहर। मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग? मोमना है। दोनों को जरा बैलेंस हो जाएगा ना। सर ये बताइए, इनमें से ज्यादा बेहतर सिंगर कौन है? सब बात ही छोड़ दें आप, मोहसिन अब्बास हैदर या फिर नबील चौकत? मोहसिन अब्बास हैदर। बहुत सारी तालियां इनके लिए। थैंक यू सो मच विकास, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। दाशा थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलीम, एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।